वेलकम टू चैनल सिविल इंसाइट। तो आज हम करने वाले हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व। इससे पहले मैं 6 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वो जरूर देखना फिर इस लेक्चर पे आना, क्योंकि उन सब पार्ट्स में से कुछ ना कुछ चीजें आज के लेक्चर में आएंगी। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व, तो देखो हम इसमें क्या पढ़ेंगे। देखो, व्हेन द ट्रांजिशन कर्व्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट द एंड्स ऑफ अ सर्कुलर कर्व, इट बिकम्स नेसेसरी टू अकोमोडेट देम बाय शिफ्टिंग द मेन कर्व इनवर्ड्स इन द न्यू वर्क। तो देखो इसको ही हम पता क्या है, ये डेफिनेशन हमारी शिफ्ट की डेफिनेशन होती है। शिफ्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन कर्व्स का, क्योंकि इसका ना आपको ना वो भी आता है, क्या बोलते हैं, डेरिवेशन भी आ जाती है। जरूरी नहीं इसका सिर्फ फॉर्मूला, हमें क्वेश्चन भी आएगा कभी कभी ना, पूछ लेता है कि शिफ्ट क्या होता है और ये डिराइव कैसे होता है, तो शिफ्ट की वो डेरिवेशन आज पूरी देख लेना आप। तो देखो अब इसमें क्या बोलते हैं कि व्हेन द ट्रांजिशन कर्व्स आर इंट्रोड्यूस्ड, देखो कहते हैं कि जब हमारे ट्रांजिशन कर्व इंट्रोड्यूस होते हैं ना एट द एंड्स ऑफ अ सर्कुलर कर्व, तो मैंने इट बिकम नेसेसरी मतलब कि ईजमेंट के लिए ना, जो ईजमेंट ऑफ कर्व नहीं हम क्या देते हैं, ईजमेंट कर्व ट्रांजिशन कर्व की अलग नाम है। तो जब ईजमेंट के लिए हमें चाहिए ना, स्मूथ ट्रेवलिंग के लिए चाहिए, तो हम कहते हैं कि नेसेसरी टू अकोमोडेट देम बाय शिफ्टिंग द मेन कर्व इनवर्ड्स इन द न्यू वर्क। तो हम कहते हैं जब हम उसको इनबिल्ट करते हैं ना, जो हम ट्रांजिशन कर्व को लेके आते हैं, तो हमारे जो मेन कर्व होता है ना, जो हमारे सर्कुलर कर्व हो जाता है, कोई भी कर्व हमारा होता है, तो उसे हमें अंदर को ना थोड़ा शिफ्ट करना होता है। जैसे अगर आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा कर्व है, हम इसको अंदर को थोड़ा शिफ्ट करेंगे, जो हमारी वो शिफ्टिंग हो जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोल देते हैं, और वो ही हम आज निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम इसकी सारे चीजें देख लेते हैं, कंपोनेंट्स हमारे क्या क्या है। तो देखो लेट टीवी हमारे यहाँ के ओरिजिनल टेंजेंट, तो टीवी आप देख सकते हैं टी से लेके वी तक हमारे यहाँ पे ओरिजिनल टेंजेंट है। बी वी डैश द शिफ्टिंग और शिफ्ट टेंजेंट पैरेलल टू द ओरिजिनल टेंजेंट, तो बी वी डैश आप देख सकते हैं, देखो बी वी डैश हमारे यहाँ पे क्या, देखो ओरिजिनल टेंजेंट है, मतलब की शिफ्टिंग और शिफ्ट टेंजेंट है। देखो शिफ्ट टेंजेंट है, ये हमारे यहाँ तक शिफ्ट हो गया, देखो ये एस मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ये हमारा एस है, तो यहाँ से हमारा शिफ्ट टेंजेंट है पैरेलल टू द हमारा ओरिजिनल टेंजेंट टीवी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है, देखो एस इज इक्वल टू बी ए, एस ये मैंने यहाँ पे मार्क करा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एस इज इक्वल टू बी ए, और ये हमारा क्या है, शिफ्ट ऑफ द सर्कुलर कर्व। तो शिफ्ट ऑफ द सर्कुलर, देखो सर्कुलर कर्व को एक्सटेंड करा हुआ है बी डी, अभी हम देखेंगे भी आगे, तो हमने डी भी हमारे पूरा सर्कुलर कर्व एक्सटेंड है, तो इसका शिफ्ट होता है जो अभी हम निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद आता है, देखो एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व है, तो ट्रांजिशन कर्व की पूरी लेंथ होती है। डी इज इक्वल टू एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, तो देखो डी इज इक्वल टू एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एंड बिगनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व, तो एंड बिगनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो डी डी वन, देखो डी डी वन, देखो डी डी वन क्या हमारा, देखो टेंजेंट कॉमन टू बोथ द ट्रांजिशन एंड द सर्कुलर कर्व एट डी। तो कहते हैं कि जो हमारा ये कर्व है ना पूरा, मतलब कि जो हमारा ट्रांजिशन कर्व है या फिर सर्कुलर कर्व, ये कॉमन इस पॉइंट पे होता है, देखो यहाँ से हमारा शुरू होता है सर्कुलर कर्व, यहाँ पे हमारा खत्म होता है, तो एक कॉमन टेंजेंट है, ठीक है डी डी वन। नेक्स्ट देखो डी बी एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द सर्कुलर कर्व, तो देखो डी बी मैंने बताया था एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द सर्कुलर कर्व, तो ये हमारा शिफ्ट हुआ है यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐसे शिफ्ट होगा, ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा शिफ्ट हुआ इसे हम निकालेंगे। देखो वाई इज इक्वल टू आपको पता है डी डी टू हो जाएगा, देखो डी डी टू हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस हमारा टी से लेके डी टू तक होगा, एंड आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, तो देखो आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, यहाँ से आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, तो देखो ये वाला जो अगर आप ये यहाँ से ऐसे जाते जाओगे जाते जाओ, तो ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा, ओ बी हमारा आर हो जाएगा, ठीक है ओ बी भी हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है सर्कुलर कर्व का। और डेल्टा एस हमारे यहाँ पे स्पायरल एंगल, तो डेल्टा एस हमारे यहाँ पे स्पायरल एंगल, ठीक है। और भी देखते हैं आगे, और भी दो चीजें, तो बात है देखो ओ बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू द शिफ्ट टेंजेंट एट बी, तो ओ बी हमारा देखो यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर था शिफ्ट टेंजेंट, तो हमारा शिफ्ट टेंजेंट बी है ना, ये हमारा शिफ्ट टेंजेंट था, तो इस पर जो परपेंडिकुलर गिर रहा है वो हमारा ओ बी है। ए इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर ओ बी विद दैट ओरिजिनल टेंजेंट, तो ए हमारा यहाँ पे जो इसको एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ पे जो हमारे टीवी के साथ है ना ओरिजिनल टेंजेंट है, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और डी हमारी लाइन परपेंडिकुलर टू ओ है, तो डी ई हमारी यहाँ पे लाइन हमारी परपेंडिकुलर टू ओ ए है। देखो ओ ए हमारे यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन है ना देखो ओ ए, ठीक है इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है डी ई। अब देखो अब क्या होता है, देखो सिंस द टेंजेंट डी डी वन, सिंस द टेंजेंट डी डी वन मेक्स एन एंगल डेल्टा एस विद द ओरिजिनल टेंजेंट, जो कि हमारा स्पाइरल एंगल है विद द ओरिजिनल टेंजेंट, देयरफॉर देखो हमारा भी एंगल यहाँ बना रहा है, देयरफॉर एंगल बी ओ डी इज़ इक्वल टू डेल्टा एस, देखो बी ओ डी, ठीक है बी सॉरी यहाँ से बी ओ डी, ठीक है बी ओ डी हमारे यहाँ पे एंगल डेल्टा एस है। आपने पढ़ा है सर्कुलर कर्व्स में कि जो हमारे यहाँ पे एक्सटेंडेड बाहर एंगल बनता है ना हमारा जो टेंजेंट्स पे बनता है, तो अंदर ऐसे होता है, तो दोनों को अगर मिलाते तो टू डेल्टा एस हो जाता, तो वही हमारा डेल्टा एस है, यहाँ पे हमारे डेल्टा एस ऐसे आ गया, ये आप समझ गए। तो देखो आप कहते हैं कि नाउ आर्क बी डी, तो नाउ आर्क बी डी हमारी देखो आर्क ये बी डी ले लिया हमने, देखो एक्सटेंडेड करा था ना इसको सर्कुलर कर्व एक्सटेंड किया, हमारी आर्क होगी, तो आर्क का लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है आर डेल्टा एस है, ये आपने पढ़ा हुआ सर्कुलर कर्व्स में, सबसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ। देखो हमारी पूरी सीरीज बन चुकी है, देखो सर्कुलर कर्व भी हम कर चुके हैं, कंपाउंड कर्व भी कर चुके हैं, हम ट्रांजिशन कर्व्स कर रहे हैं,
देखो आर इज कर लो, देखो अब क्या है इंटू एल बाय टू आर। अब डेल्टा एस की वैल्यू ये कहां से आई, अब ये भी मैं आपको दिखाया, तो ये हमने करा था अपने लेक्चर नंबर 3 में, तो ये मैं आपको दिखाया था अभी। तो देखो ये आगे मारे, देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू एल बाय टू आर, ठीक है, हमने एल बाय टू आर ही पुट करा, देखो एल बाय टू आर, तो यहाँ से आर कट जाएगा तो एल बाय टू हो जाएगा, तो बी डी यहाँ पे हमारी आर की जो हमारी लेंथ हो जाएगी वो एल बाय टू हो जाएगी। देयरफॉर डेल्टा एस मतलब कि बिकॉज सॉरी बिकॉज डेल्टा एस इक्वल एल बाय टू आर, तो ये बिकॉज मैंने यहाँ पे डाल दिया, कुटा दिया। व्हेन सी डी इज वेरी नियरली इक्वल टू बी डी वी हैव, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो हमारा सी डी है वो बहुत ही इक्वल टू बी डी है, ठीक है, बहुत ही इक्वल टू, मतलब देखो तो सही सी और डी मतलब सी और बी में कितना ही फर्क है ना, बहुत ही नियरली इक्वल है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है सी डी भी हमारा एल बाय टू हो जाएगा। हैंस अब इससे क्या पता चलता है, हैंस द शिफ्ट ए बी बाइसेक्ट द ट्रांजिशन कर्व एट सी, तो इससे हमें पता चलता है शिफ्ट जो हमारा ए बी शिफ्ट है वो हमें बाइसेक्ट करता है ट्रांजिशन कर्व को, कौन से पॉइंट पे सी पे हमारा बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब ये चीज होगी, अब हम फाइंड करते हैं मेन अपना शिफ्ट क्या होता है। तो देखो अब आता है हमारा शिफ्ट एस, देखो लेक्चर सारे छोटे छोटे बन रहे हैं, दस दस बारह बारह मिनट की बन रहे हैं, मैं एक में भी कर सकता था पर मुझे लगता है कि ऐसे बहुत ज्यादा लंबी वीडियो थी, हॉज पर होता आपका ही मूड ना करता। अब आपके छोटे छोटे लेक्चर्स है, जब आपको मन करे, जब आपको पढ़ने का मन करे आप ये लेक्चर देखना, आपका ट्रांजिशन कर्व का एक पार्ट हो जाएगा, ऐसे हमारे 10-12 पार्ट होंगे तो फटाफट आपका ट्रांजिशन कर्व भी खत्म हो जाएगा। देखो शिफ्ट अब एस, देखो शिफ्ट एस अब हमारा क्या है यहाँ पे बी ए, ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं हम बी ए, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे क्लियरली, हाँ दिख रहा है आपको, देखो बी ए इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे ई ए माइनस हमारा यहाँ पे क्या होगा ई बी, ठीक है, देखो ई ए माइनस ई बी, ठीक है। अब हमें सारी वैल्यूज रिलेट करनी है, हमें वैल्यूज निकालनी है शिफ्ट किया ना, फॉर्मूले की निकालना, हम सिंपल ऐसे ही छोड़ सकते हैं बी हमारा शिफ्ट है, ठीक है, तो देखो बी ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ई ए माइनस ई बी, ठीक है, अब ये हो गया। देखो अब ई ए देखो कहाँ पे इक्वल टू, देखो ई ए इक्वल टू डी डी टू है ना एक तरह का, आप देख सकते हो तभी हमने यहाँ पे पेंडिकुलर गिराया था कि पैरेलल हो जाती है, पर पेंडिकुलर गिरा दे तो इससे पता चलता है। देखो अब यहाँ से हमारा ये पूरा वाई हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ये वाला वाई है, तो देखो ये भी हमारे यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, पूरा वाई हमने लिख दिया, देखो वाई यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, तो वाई माइनस, अब देखो ई बी क्या होता है, देखो अब हम ई बी को ब्रेक करेंगे, तो देखो ई बी क्या होता है, देखो ओ बी, ओ बी माइनस ओ ई, ठीक है, ओ बी माइनस ओ ई, अब मैंने आपको समझाया था, देखो ओ बी हमारा रेडियस है, तो यहाँ पे हमारा रेडियस आया था, मैंने एक स्टेप स्किप करा जानबूझ के, क्योंकि यार अब आप इंजीनियरिंग में आगे एक दो स्टेप सब स्किप कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पे फिर भी लिखता, देखो यहाँ पे क्या होता, ओ बी हमारा आर होता, ठीक है, माइनस, अब हमें निकालना ओ ई, ठीक है, अब ओ ई कैसे निकलेगा, देखो ओ ई अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे, ओ ई डी में, ओ ई डी में अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे क्या बनता है, देखो हमें हमें निकालना ओ ई, तो हमें देखो कॉस में लेके जाना, तो देखो कॉस डेल्टा एस इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या होता है ओ ई डिवाइडेड बाई आर, कैसे होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर बी 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 एच एच बी, ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसे हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, पाकिस्तान भूखा पैसे हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद करते हैं हम, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे यहाँ पे ओ ई आया था, देखो हाइपोटेन्यूज हमारी आर आती है, तो देखिए यहाँ से हमें ओ ई निकालना है, तो ओ ई हमारे आर यहाँ पे चला जाता, देखो आर कॉस डेल्टा एस, ये हमारा ऐसे हो गया। अब मैंने यहाँ से बस आर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे वन आ गया माइनस कॉस डेल्टा एस आ गया, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एक दो स्टेप बस मिस करे हैं मैंने, मिस भी नहीं स्किप करे है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये तो नेचुरल है कि आपको आना चाहिए। तो देखो वाई माइनस, देखो वाई माइनस, देखो मैंने आर इसलिए कॉमन लिया, तो आपको पता है, देखो वन माइनस कॉस डेल्टा हमारे यहाँ पे क्या होता है टू साइन स्क्वायर डेल्टा बाय टू, ठीक है, हमने वही यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, देखो टू मैंने सभी रेड पेन से करा है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मुला अप्लाइड करा है, देखो टू इंटू में आर तो वही रहेगा साइन स्क्वायर डेल्टा एस बाय टू, ठीक है, डेल्टा एस बाय टू यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है, हाफ ऑफ द एंगल होता है, तो डेल्टा एस बाय हाफ एंगल भी हम कहते थे, हाफ एंगल फॉर्मूला से भी हम कह देते हैं, हमने पढ़ा हुआ है प्लस वन प्लस टू में ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो अब एस इज इक्वल, देखो हमें शिफ्ट क्या होगी, देखो वाई माइनस टू आर, ठीक है, अब आपको पता, देखो ये एंगल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो अगर हम साइन डेल्टा एस भी लिख रहे तो हम इसे डेल्टा एस लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा तो डेल्टा एस स्क्वायर हो जाएगा, तो टू आर डेल्टा स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है, टू का भी स्क्वायर होगा ना, पूरा ऐसे एंगल है, तो एंगल हमने हाफ करा तो इसका भी तो फोर हो जाएगा ना, तो ऐसे हमारा फोर हो गया, तो आपको ये समझ आ गया, अब ये तो आ गया, ठीक है, अब हमें ये वैल्यूज तो हमें सारी पता है, ठीक है, डेल्टा एस का भी आपने पता है क्या फॉर्म होता है, हम बाद में पुट करेंगे, अब वाई निकालना है, ठीक है, वाई कैसे निकलेगा, देखो बट ई ए, देखो बट ई ए इजक्वल टू डी डी टू इजक्वल टू वाई, ये आपको पता है ई ए इजक्वल टू डी डी टू इजक्वल टू वाई, और वाई की हमारी इक्वेशन के एल क्यूब बाय सिक्स आर एल, ये भी एल क्यूब ऐसे नहीं होता, देखो एल क्यूब बाय सिक्स आर एल, ठीक है, ये कहाँ से है हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो मैंने आपको उस लेक्चर में आपको समझाया था कि ये बहुत आगे यूज में आने वाला है, मैं फिर भी आपको एक बार इक्वेशन को दिखा देता हूँ। तो देखो ये आ गया हमारी इक्वेशन वाई इक्वल टू एल क्यूब बाय सिक्स आर एल, देखो अब इसमें एल नहीं है, कुछ छोटे से एल नहीं है, हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई कर्व पे हमारे छोटी जगह पे ले जाए, हम पूरा डी पॉइंट पे खड़े होकर बात करते हो, डी पे हमारा ये एल ही हो जाएगा, तो ये हमारा अगर पूरा एल हो गया तो एल क्यूब आ जाएगा ऐसे एल क्यूब बाय सिक्स आर एल, है ना, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो एल क्यूब बाय सिक्स आर एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय सिक्स आर हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे एल से एल एक कट जाएगा,
एंड डेल्टा एस अभी आपको मैंने दिखाया था तो एल बाय टू आर होता है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज आपको सिंपल इसमें पुट कर देना, ठीक है। अब तो इस इमेज का कोई यहाँ पे रोल नहीं रहा, देखो अब यहाँ पे एस इजल टू एल स्क्वायर बाय सिक्स आर, ठीक है, हमने इसमें पुट कर देखो एल स्क्वायर बाय सिक्स आर माइनस टू आर, हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, बस याद रखना है स्क्वायर में। तो यहाँ से हमारा शिफ्ट क्या आ जाएगा, शिफ्ट एस इजल टू एल स्क्वायर बाय 24 आर। CTM बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये, मैं कह रहा हूँ ट्रांजिशन कब आप भूल जाओ, पूरा भूल जाओ क्या होता है क्या नहीं। आपको शिफ्ट याद रहना चाहिए और आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए फाइ का, एल स्क्वायर बाय टू आर एल, ठीक है। फाइ का हमारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एल स्क्वायर बाय टू आर, बस यही। इनपे सारा ट्रांजिशन कब घूम रहा है, ठीक है। कार्डेशियन कोऑर्डिनेट्स तो चलो इससे ही निकाल लिया हमने, वो भी हमने इससे ही निकाल लिया, तो मैंने आपको बता दिया फाइ जिसमें आ गया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक नई चीज आ गई हमारी शिफ्ट, तो इसका तो डेरिवेशन भी आए थे, जो मैंने आपको ये डेरिवेशन करवाई ना बहुत ही इजी है, सिंपल मैथ्स ही लगी है, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन है फिर दिमाग नहीं लगा, सिंपल कैलकुलेशन से आपने निकाले शिफ्ट हमारा एल स्क्वायर बाय 24 आर, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो अब कभी कभी कहते हैं कि ना वैसे आता नहीं एग्जाम में, कहीं पे भी ये चीज नहीं आती, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ बुक्स में होती है, आपको शायद मन में डाउट हो अगर आपने बुक भी साथ में रखी हो तो, कि इसमें ना थोड़ा सा ना प्रिसाइजली भी हम ले लेते हैं, प्रिसाइजली हम शिफ्ट कैसे लेते हैं उसकी भी थोड़ी डेरिवेशन होती है, लेकिन मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा, तो एल स्क्वायर बाय 24 आर यही रहेगा 1 माइनस यू, ठीक है। अब यू की वैल्यू ना आपको एक ऊपर स्क्रीन पे एक टेबल आ जाएगा, देखो अगर आपको यहाँ पे टेबल शो हो रहा है तो यहाँ से आपकी यू की वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी प्रिसाइज वैल्यू शिफ्ट आए थे, लेकिन हमें प्रिसाइज का हमें कुछ नहीं देखना, हमें ये वाला फॉर्मूला हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ ये वाला इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, और आपकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ना बुक्स में या फिर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन की शिफ्ट भी आप डिराइव करो क्या होता है, वो मैंने आपको समझा दिया, शिफ्ट कैसे ड्राइव होता है ये होता है, तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी वो आपको पता है, शिफ्ट की कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है। ऐसे पूरा क्लियरली बताना सारा डायग्राम में, डायग्राम के मार्क्स होते हैं कि डायग्राम में अगर आपने क्लियरली बनाया ना तो कोई भी ज्यादा आगे नहीं देखेगा, क्योंकि लग जाएगा उसे पता है कि डायग्राम इतना सही बनाया है तो उसको आता ही है, ठीक है। तो हमारा ये शिफ्ट ऐसे हमारा ये पूरा निकल गया, तो यहाँ से ये पूरा हमारा फॉर्मूला था एल स्क्वायर बाय 24 आर। तो देखो ये था हमारा आज का लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व, तो देखो इससे पहले मैंने सिंपल कर्व्स कंपाउंड कर्व्स डाले तो आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि ट्रांजिशन कर्व पर ही आपका ऐसी रिस्पांस आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और माय चैनल सिमसाई को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।